बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर पार्ट ए रियल, पार्ट बी इमेजिनरी। तो कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जब रूट्स रियल हो तो के की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और जब रूट्स इमेजिनरी हो तो भी के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो वी आर कमिंग टू पार्ट ए। टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस के इक्वल जीरो। ए में है कि एज रूट्स आर रियल, ये गिवन है कि रूट्स रियल है। जब रूट्स रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, वो जीरो से ग्रेटर हो या इक्वल हो जीरो का। अगर डिस्क्रिमिनेंट से जीरो आए तो भी रूट्स इक्वल तो भी रूट्स रियल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट से ग्रेटर देन जीरो कोई वैल्यू आ जाए तो भी रूट्स हमारे पास रियल होंगे। तो अब के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। जब इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की 3 और सी की के। अब डिस्क्रिमिनेंट में बी को 3 से रिप्लेस करते हैं, ए को 2 से और सी को के से। तो 3 स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 4, ए की जगह पे 2 को पुट करते हैं और सी की जगह पे के को पुट करते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 3 स्क्वेयर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 विच इक्वल्स 9, माइनस 4 टू आर 8, के ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये माइनस 8 के है, इसको जो ये माइनस 8 के है इसको राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वलिटी शिफ्ट करते हैं, ये इनइक्वलिटी है। तो ये प्लस 8 के हो जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी 8 से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड है उसको भी 8 से डिवाइड करते हैं। 9 बाई 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू k। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस साइड से हम इसको प्रोनाउंस करें बोले तो k इज लेस आर इक्वल टू 9 बाई 8। जब रूट्स हमारे पास रियल हो तो इस इक्वेशन का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इस इक्वेशन में से k की वैल्यू 9 बाई 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू k, यानी 9 बाई 8 k की जो वैल्यू होगी वो 9 बाई 8 की इक्वल होगी या 9 बाई 8 से लेस होगी। केस बी, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी केस। When the roots are imaginary, so when the roots are imaginary, तो हमारे पास discriminant फिर less than zero आएगा। जब discriminant less than zero आ जाए यानी negative value में आ जाए तो हमारे पास जो roots होते हैं वो imaginary होते हैं। तो यहाँ पे भी b की जगह पे 3 को put करते हैं तो ये 3 square हो जाएगा minus 4, a की जगह पे 2 को put करते हैं और c की जगह पे k को put करते हैं, is less than zero। ये 3 square से 9 आ जाएगा, 8 k हो जाएगा, इज लेस देन जीरो। अब माइनस 8 के को राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वलिटी जो है शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस 8 के हो जाएगा, इसको भी 8 से डिवाइड करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को भी 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 9 बाय 8 इज लेस देन के। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं के इज ग्रेटर देन 9 बाय 8। तो जब रूट्स रियल थे तो हमारे पास के की वैल्यू 9 बाई 8 की इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, लेकिन जब रूट्स इमेजिनरी हो तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो 9 बाई 8 से ग्रेटर होगी। तो जो इसके बाद जो दो क्वेश्चन है से क्वेश्चन नंबर 6 में आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो कि कम्प्लीट हुआ। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, सही है। I think so. This much is all for today. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.